राजधानी रांची के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के उद्घाटन के साथ साथ मां के पट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही अब भक्तों का तांता भी दिखाई देने लगा है। खासकर रात के समय में पंडाल घूमने आए लोगों की भीड़ सड़क पर दिखाई देने लगी है। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक प्लान किया गया है ताकि सुचारू रूप से दुर्गा पूजा को सम्पन्न कराया जा सके। देखिए रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर रांची शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार। हर एक रूट के लिए तैयार किया गया ट्रैफिक प्लान। 9 अक्टूबर से पूरे इलाके में लागू होगा ट्रैफिक प्लान। रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर कमर कस ली है। सड़कों पर भीड़ दिखने लगी है, जिसको लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी हो गया है। 8 अक्टूबर से ही रांची के ट्रैफिक पुलिस 2 शिफ्ट में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करेंगे। हालांकि पूजा को लेकर ट्रैफिक रूट में 9 अक्टूबर से परिवर्तन किया गया है। साथ ही पंडालों में पार्किंग को लेकर भी जगह निर्धारित किए गए हैं। वहीं वाहनों के परिचालन के लिए भी रूट तैयार कर लिए गए हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जो ट्रैफिक प्लान में कुछ परिवर्तन किया गया है, ट्रैफिक व्यवस्था में तत्काल जो अस्थायी रूप से कुछ रूट में गाड़ियों का प्रवेश वर्जित किया गया है और भारी वाहनों का शहर में प्रवेश जो है वो प्रातः 8 बजे से दूसरे दिन प्रातः 4 बजे तक कोई भी बड़ी वाहन जो भारी वाहन होती है वो शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। और कुछ कुछ मुख्य जो हमारा सड़क है, जैसे मेन रोड हो गया, आपका हरमू रोड हो गया, उसमें शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक छोटी इवेंट के छोटी वाहनों का भी प्रवेश। कचहरी चौक से शहीद चौक, अल्बर्टिक्का चौक, सुजाता चौक की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सुजाता चौक की तरफ से आने वाले निजी वाहन सैनिक मार्केट, जेल, चर्च कॉम्प्लेक्स तक ही आ सकेंगी। इसका मोड़ से न्यू मार्केट की ओर आने वाली सभी छोटी गाड़ियों का परिचालन शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक बदल जाएगा। मीनाक्षी सिनेमा हॉल से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक से हरमू चौक तक रहेगा। हरमू की तरफ से किशोरगंज होकर रातू रोड की तरफ आने वाले चार पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज तक ही होगा। कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ जाने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क, रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक जाएंगी। बरियातू रोड से अल्बर्टिक्का चौक की ओर जाने वाली गाड़ियां लाइन टैंक रोड, रामगढ़ ट्रेकर स्टैंड तक ही जा सकेंगी। डंगरा टोली से सर्जना चौक की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक जा सकेंगी। लालपुर से कोकर जाने वाले मार्ग पर परिचालन वन वे रहेगा। सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाले वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे। कोकर से लालपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां काटा टोली होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी। हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए काटा टोली जाएगी। कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करम टोली, बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर की ओर जा सकती हैं। रातू रोड न्यू मार्केट से किशोरगंज चौक तक छोटी वाहनों का प्रवेश शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह के 4 बजे तक बंद रहेगा। इधर शहर भर में 20 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं इसके साथ ही 150 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं ताकि वाहनों के अवैध पार्किंग को रोकते हुए सुव्यवस्थित तरीके से पूजा संपन्न कराई जा सके। न्यूज 11 भारत भी तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध करता है कि जिला प्रशासन का सहयोग करें और सुचारू रूप से पूजा संपन्न कराने में अपनी सहभागिता निभाएं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।